Good morning, Alibag. चलो अभी इसको पानी में छोड़ दे। नो, रुको रुको। पॉम्फ्रेट थाली बुक। पॉम्फ्रेट थाली मैडम ने बुक कर लिया तो समय वाला मैं खाऊं। फिश अच्छा है। अच्छा नहीं है। मैडम ने क्या गुजिया बना के लाया है? एकदम अंधेरा है। कुछ भी लाइट नहीं है। मूड ऑफ हो गया। पानी कोलेट्रल डैमेज बन जाए इस चीज का। हेलो गाइस, आज हम लोग निकल गए हैं अलीबाग के लिए। वेलकम टू आवर चैनल सन रॉकर्स एंड दिस इज आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। हम लोग बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग में आए हैं और हम लोग आज जा रहे हैं अलीबाग। हम लोगों के फर्स्ट ट्रिप है। हम लोग पहले कभी नहीं गए थे अलीबाग। कुछ रिसर्च किया है गूगल में तो उधर 3-4 बीचेस है तो हमने एक बीच चूज़ किया है एंड हम लोगों का आज नाइट स्टे होगा उधर बिकॉज दिस इज होली सीजन। तो कंटिन्यू 3 डेज हॉलीडेज है। मार्च ईयर एंडिंग के सीजन में 3 हॉलीडे। इट्स ऑल हम लोगों का प्लान है। आज एक होटल में हम लोग नाइट स्टे करेंगे और बीचेस घूमेंगे, बीच एंजॉय करेंगे। उधर हम लोग अक्षी बीच चूज किया है। जो होटल है वो अक्षी बीच में है और को इधर ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग अभी सुबह निकले थे। हम लोगों का प्लान था अर्ली मॉर्निंग निकलने के लिए तो बिकॉज ऑफ जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कम हो जाए बट वी आर ऑलवेज लेट एज यूजुअल। तो हम लोगों को निकलते निकलते 11:30 हो गया था एंड हमारे उधर से जो डिस्टेंस है उस टाइम पे दिखा रहा था कि ऑलमोस्ट 2.5 hours। तो अभी भी हम लोग जा ही रहे हैं। हम लोगों का अभी है 30 minutes दिखा रहे हैं हम लोगों को। तो चलिए आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग दिखाएंगे कि होटल पे क्या क्या करेंगे, बीच में हम लोग क्या एंजॉय करेंगे एंड हम लोग अलीबाग में जाएंगे। अलीबाग में अक्षी बीच है तो उधर का पूरा ब्लॉग आज उसके ऊपर हम लोग कवर करेंगे। आई थिंक आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग आज का अच्छा लगेगा। सो हम लोगों के साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। আর কাজ কাকে করতে হচ্ছে? ইয়ে যে যা রে হনকো ইসকে বারে মে তুম কিয়া বলোগে? ইয়ে যে স্কুটি মে তিন লড়কে যা রে হ্যায় না? আবি ইয়ে লোগ জওয়ান হ্যায় অর আর তুম বুড়া হোগে হো? নাই নাই, আবি হামারা ভি উমর হ্যায়। দ্য মোডস আর ডিফারেন্ট ফর এভরিওয়ান। দে আর ইন সাম স্টেজ, উই আর ইন ডিফারেন্ট স্টেজ। अभी ये लोग का एक ही पर्पस होगा आई थिंक, ड्रिंक एंड नॉनवेज। और लड़की का क्या करें? लड़की है पता नहीं, इसमें तो दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, देखो ये एक अलग सा फन है ना, बॉयज लोग अलग से मजे करते हैं। ये देखो सब जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि पर्सनली मालदा छोड़ के जो आयो आयो पता है तुम्हें? हाँ पता। तो आयो बुलबुल चुन चुन करके ऐसा है, मुझे लग रहा है कि मैं उधर जा रही हूँ। अब यकीन हुआ कि हम लोग अलीबाग ही जा रहे हैं। जीपीएस हम लोगों को गलत रास्ते पे नहीं लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट अलीबाग पहुंच चुके हैं, अभी अक्षी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं डेस्टिनेशन के नजदीक में। हम लोगों को अभी 4 minutes दिखा रहे हैं। अभी इस साइड के व्यू ऐसे दिखा रहा है। बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी है बाहर।
देख सकते हो आप लोग इधर सब ना सब से लग रहा है कि घर घर जैसा है, तो हम लोग ऐसे ही एक घर में घुस जाएंगे। ग्रीनरी है, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ा ग्रीनरी देख के ट्रीज देखिए, देखो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, स्पेशली द कोकोनट ट्रीज जो हमें नॉर्मली सिटी लाइफ में मिलता नहीं है। यू कम टू द बीच साइड एंड यू कैन रिलैक्स जस्ट बाय द व्यू ऑफ कोकोनट ट्रीज। हम लोग कितना साल हो गया मुंबई पर, कभी भी हम लोग अलीबाग नहीं गए, तो आज एक्सप्लोर करेंगे कैसा है अलीबाग बीच। दिस वन, अरे बाबा दिस वन, सी होटल दुर्बा पैलेस, ये भी एक घर जैसा ही है। चलो देखते हैं अंदर कैसा होगा। सो हम पहुंच गए हैं ध्रुव पैलेस होटल, ध्रुव पैलेस राइट, दुर्बा पैलेस, सॉरी माय बैड, दुर्बा पैलेस होटल। नीट कोजी कंफर्टेबल होटल, हमने जो रूम लिया था थैंकफुली वो बैल्कनी फेसिंग है, इट हैज़ अ बैल्कनी एंड इट हैज़ एन ओपन व्यू। तो अपने जो पर्पस है टू कम रिलैक्स चिल एंड देन टू हैव ऑल द एनर्जी बैक जो हमने पिछले 2-3 महीने में लूज़ किया है मुंबई में। छोटा सा रूम है, छोटा सा अरेंजमेंट्स है, आपको दिखाते हैं एक बार वन बाई वन। रूम नंबर 103, ये हमारा रूम है। सन इज ऑलरेडी इन मोशन। सो यहाँ पे जो है देयर इज अ बालकनी जिसके सामने दे हैव क्रिएटेड दिस स्पेस। केयरफुल, हैविंग फन, हैविंग फन, ओके। सो ये बालकनी है, सी हू इज पीपिंग हियर, दिस इज द फ्रंट व्यू, दैट्स आवर कार। रूम के अंदर चलते हैं, ये बाहर के कॉमन स्पेस है। नीट कोजी कंफर्टेबल, दैट्स मी, हेलो। एसी है, बेड है, ये है विंडो इसके बाहर, सो यू कैन स्लाइड। ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग, इसमें हवा भी बहुत अच्छे से आ रही है। एंड हवा जो है मस्त हवा है, मतलब सी का जो ब्रीज है इट्स अनमैच्ड विद एनी ब्रीज दैट आई थिंक। अभी भी तो सनसेट नहीं हुआ ना, इसलिए बस फिर भी हवा बहुत अच्छी लगी। आफ्टर सनसेट आई थिंक इसका और भी मजा ले पाएंगे हम लोग। मैडम का ड्रेस देखा है, मैडम ने एकदम नया ड्रेस पहना है आज। अरे अपने को भी दिखा। मैंने मेरा दिखा दिया, मेरा दिखा दिया, सो इट इज ऑल्सो न्यू फॉर मी। मैंने लिया था काफी दिन पहले, बट आज बहुत दिन पहले बाद पहनने का मौका मिला। ये ड्रेस भी बहुत अच्छा है, मतलब ये बीच परफेक्ट है। ओके, यहाँ पे देख रहे हो मैडम ने क्या गुजिया बना के लाए। सो कल रात को बैठ के मैडम ने एक गुजिया बनाया, बहुत ही बढ़िया, हम बैठ के खाएंगे, एंजॉय करेंगे। हम लोग होली सेलिब्रेट करेंगे, गुजिया विदाउट गुजिया होली इट्स इनकम्प्लीट। एक टीवी भी है फेसिंग द बेड, देयर इज अ कबर्ड, देयर इज अ वॉशरूम, स्पेशियस है कभी। और यहाँ पे जो उनका एक्सेसरीज है, डेंटल किट, सोप यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ रिगार्डिंग फूड, हमने आते ही खाना ऑर्डर कर दिया है। सो बेसिकली एक पॉम्फ्रेट थाली ऑर्डर किया है, एक सुरमई थाली ऑर्डर किया है, दोनों ही 450 rupees ईच है। Let's see कैसा होता है, जो भी होगा आई एम श्योर इट विल बी रियली एंजॉयबल। साथ में एक करी लिया है फॉर Ivan विथ राइस। पॉम्फ्रेट थाली बुक, पॉम्फ्रेट थाली मैडम ने बुक कर लिया, तो सुरमई वाला मैं खाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसा लगा। आई एम श्योर अच्छा लगेगा, खाना दिखा भी दूंगा ना। ऑफ कोर्स दूसरे तरफ अलीगढ़ बीच। ये होटल लेने का वन एंड ओनली रीजन था कि हम लोग बीच के नजदीक पे जाएंगे। होटल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, मतलब होटल का खुद का जो मतलब प्रॉपर्टी रहता है वो अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज है, बट हम लोगों ने वो नहीं लिया क्योंकि हम लोगों को नेचर पे रह के बीच का एंजॉय करना था, तो इसीलिए हमने ये होटल चूज़ किया है। अदरवाइज़ ये होटल बहुत नीट एंड क्लीन है, अभी खा के नहीं देखा है, खाना भी अच्छा ही होगा शायद। तो हम लोगों को थाली में क्या क्या दिया है, राइस भाकरी रोटी दो दिया है, राइस दिया है, ये सोल करी है, ये क्या है, ये है चिकन, नहीं ये झींगा मसाला, अच्छा झींगा, झींगा मतलब प्रॉन्स ना, प्रॉन्स, और ये एक इसका प्रॉन्स ही है, इसका एक फिश चटनी, झींगा चटनी, फिश। Ivan के लिए अंडा करी एंड राइस,
Ivan. How is it? खाके बोलो. Hello everyone. हाँ, और कोके थाली में क्या है? सेम है, सिर्फ दो सुरमई का पीस है. सुरमई थाली है ये. हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. आस्ते आराम से खाओ, आराम से खाओ. कैसा लग रहा है? अच्छा लग, बहुत अच्छा है. फुल, बहुत बढ़िया. डैडी व्हाट इज दिस? एक करी. तू कोहे बोलतीस? एकाने अच्छा अच्छा स्टेज. अच्छा ऐसा ऐसा तो नहीं कि कल कल यहाँ पे होली का? हाँ हाँ होली का प्रोग्राम तो कल सुबह देखेंगे क्या क्या. हाँ हम लोग थोड़ी एंट्री करने देगा हम लोगों को. वो तो ऑनलाइन होता है ना. अभी शाम को कितने बज गए? हम लोग अभी अक्षी बीच के तरफ जा रहे हैं. बीच का जा रहे हैं. हम लोग ने सनसेट मिस कर दिया क्योंकि कल रात हम लोग बहुत लेट करके सोए थे और आज होटल पे आके लंच करके उसके बाद हम लोग सब सो गए. रेस्ट ले लिया, वो भी ज़रूरी है. इधर इतना भीड़ क्यों है? अच्छा चाय कॉफी पी रहे हैं सब. ये है बीच. बीच लंबा है तो अक्षी बीच में उतना राइड का है नहीं फैसिलिटी. वो मिलेगा हम लोगों को अलीबाग में है बहुत ज़्यादा. पीसफुल टाइम आप आके समुंदर के मजे ले सकते हो. ज्यादा क्राउड नहीं है, ज्यादा कमर्शियलाइज नहीं है. बट आप अलीबाग की तरफ जाओगे तो इट्स हेवीली कमर्शियलाइज. मतलब कैमल राइड्स होते हैं, देर आर सम वाटर स्पोर्ट्स एंड देर आर लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर. सो इफ यू डोंट रियली लाइक क्राउड, यू वांट टू हैव सम पीसफुल टाइम, सो अक्षी इज परफेक्ट फॉर दैट. दो द टाइमिंग फॉर अस इज वेरी बैड एंड वी विल मेक अप फॉर इट. हम कल मॉर्निंग करेंगे डेफिनेटली. Which one? This one. Kalakan? Yes. How many? 100. Okay, okay. 100 grams, did you say? 100 grams. Parcel. 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 So, Ivan ko mil gaya? Ivan ko mil gaya? Ivan ko mil gaya. Ivan ko Kalakan chahiye tha. So, we got a good Bikaner sweets right at the heart of this pit. रीजन एकदम पेट्रोल पंप के सामने है. गुजिया, गुड. मावा गुजिया है क्या लेना है? मावा गुजिया, बीकानेर मावा गुजिया ना अभी का मतलब बीकानेर उठे गए. ये चंद्रकला मावा गुजिया. इवन क्या खा रहे हो? गुलाब जामुन. ओके अच्छा है. यस. और हमने क्या क्या लिया है? मूंग हलवा,
डिंक का हलवा और फिर मलाई बर्फी एंड देन आई थिंक थोड़ा सा वो भी लिया, बेसन का लड्डू लिया, व्हिच आई जनरली प्रेफर टू ईट, मुझे मेरा पसंद है बेसन का लड्डू एंड मावा गुजिया। तो बहुत कुछ हो गया, कल पूरा दिन खाते रहेंगे होली के दिन। वो क्या लौकी का है हलवा, टेस्ट करो ना। स्पून दे दीजिए, हाथ बहुत गंदा हो रहा है। इरा खेना भालू लग रही है। Guess what? लौकी। इधर और एक गुलाब जामुन। और एक गुलाब जामुन। सत्यी भालू लगते। डिनर नहीं करना है। हाँ यही डिनर है, हो गया। हाँ रैपअप, यही है डिनर। ओके इसके बाद फिश खाएंगे। यस फिश गंदा है। नो फिश अच्छा है, फिश अच्छा है, फिश अच्छा नहीं है। यूवन का डिनर हो गया, डिनर फिनिश हो गया। यूवन का चिकन लफेटा, चिकन लफेटा नहीं, मैं सिर्फ खाऊंगी मसाला पापड़। मसाला पापड़। आई लव अलीबाग। हम आ चुके हैं सब अलीबाग में, ग्लास भी आ गया। तो अभी जो है मैं वाकई का बहुत बड़ा फैन हो चुका हूँ, और यहाँ पे भी मैं फिर से वाकई ऑर्डर करूँगा। मेरे पास सुबह क्लोज द बॉटल ऑलवेज, बस क्लोज द बॉटल। और मैंने प्लान किया है कि रात को हैवी ना डिनर करने के लिए, तो मैं ट्राई करूँगी मसाला पापड़। मसाला पापड़ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे स्वीट्स लिए हैं तो रात को जाके कुछ स्वीट खाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मसाला पापड़। और बाकी देखते हैं खाना कैसा टेस्टी रहता है, उसके हिसाब से ऑर्डर। थोड़ा लंबा लिस्ट हो गया, एज प्रॉमिस मैंने वाकई ऑर्डर किया। वाकई के साथ यहाँ पे इनका चिकन लपेटा का रिव्यू बहुत ही अच्छा है, तो लेट्स ट्राई चिकन लपेटा। हमने हाफ लिया, उसके साथ मैडम ने मसाला पापड़ ऑर्डर किया, एंड देन विद दैट प्रॉन्स कबाब खाए। थोड़ा अलीबाग आए हैं इस साइड पर, तो फिश ना खाए तो अच्छा नहीं लगता। एंड उसके साथ ऑब्वियसली मैंने सोल करी लिया है, और इवान के लिए हाफ फ्राई अंडे। तो ये आ गया अपना सोल करी। सो आई कैन से दिस इज रियली माय फेवरेट, बहुत बढ़िया एपेटाइजर। ठंडा है हार्ट अच्छा है। एग्जैक्ट कवर की बोल रहे हेड शेप ऑन मेडिकल नीड, हेड शेप ऑन मेडिकल नीड असिस्टेंट डॉक्टर। ভুলে গেছে পাপড়ের কথা। দিস ইজ গ্রিন চাটনি, পুদিনা চাটনি। This is shrimp, fish. Chicken. Fish. Nah, this is not fish. This is chicken. Prawn. Prawns. Prawns. This is chicken. Prawn. You want to try? No.
गुरु प्रसाद नाम था ना रेस्टोरेंट का, गुरु प्रसाद से आफ्टर डिनर हम निकल चुके हैं। तो ओवरऑल जो अपना फीडबैक है रिगार्डिंग द फूड इन गुरु प्रसाद, फूड वाज रियली वेरी गुड। हमने जो भी ट्राई किया है, जो भी आइटम ट्राई किया है, एवरीथिंग वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट। तो देयर इज नो कंप्लेन, नथिंग। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड, स्टाफ वाज रियली कॉशियस एंड शेफ वाज रियली अप टू द मार्क। सो 5 out of 5 फॉर आवर एक्सपीरियंस इन गुरु प्रसाद। सो नाउ वी आर हेडिंग बैक। अंधेरा, अभी भी 11 मिनट दिखा रहा है। रास्ता देखा कितना अंधेरा है, बाप रे। नहीं नहीं, हर होटल अभी बहुत दूर है। सो एक तो चीज है, एक तो स्ट्रीट लाइट उधर तो थे ही नहीं। अगर आप इस साइड पे आ रहे हो एंड आपको रात को लेट थोड़ा within अलीबाग कहीं पे जाना है, तो actually you need to have a vehicle. Without vehicle इस time पे यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, because there is no public transport to that effect. See guys, एकदम अंधेरा है, कुछ भी लाइट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि देखो स्क्रीन में देख रहा है, लग रहा है कि मैं हॉरर मूवी का शूट कर रही हूँ। तो आगे एक छोटा सा ब्रिज आएगा, उसके बाद से एक नैरो रोड डायरेक्टली विल गो टू आवर होटल। यही ब्रिज है ना, ये वाला ब्रिज? हाँ, यही वाला ब्रिज। देखो ध्यान से, वीडियो में पक्का लग रहा है कि कोई भूत भूत आ जाएगा। हमारा होटल आ चुका है एंड हमारे होटल का डेकोरेशन भी अच्छा किया है ना, लाइटिंग। ये लेफ्ट, दिस वन दुर्बा पैलेस, होटल दुर्बा पैलेस, दुर्बा पैलेस, राइट राइट। এখানে লেখা দাও কিছু পার্কিং আছে, কিছু পার্কিং আছে, এখানে পার্ক করব। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग अलीबाग। हम लोग आ गए हैं अक्षी बीच पे, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आप लोगों के साथ एंड हमारे खुद के साथ, के हम लोग बीच में सनराइज के टाइम पे आ जाएंगे जितना अर्ली हो सके। तो हम लोग आ चुके हैं, ये देखो। वाव गाइस, कितना अच्छा लग रहा है ये व्यू। अभी हम डायरेक्टली जा रहे हैं समुद्र के तरफ पक्षी बीच में। बहुत बहुत खास है यहाँ का जो दिस पैटर्न है, पानी पूरा भरा हुआ था रात को, ये सेक्शन पे सनराइज हो चुका है। यहाँ पे इट्स नॉट टोटली सैंड, अब देखो तो इट्स काइंड ऑफ सॉयल बट इट्स नॉट स्लिपरी। एक बहुत बढ़िया पैटर्न में फॉर्म हुआ है यहाँ पे। एक दो लाइफ बोट्स दिख रहे हैं वहाँ पे, बीच अभी ऑलमोस्ट खाली है, काफी सीरीन शांत एम्बियंस है। तो किया था कि अर्ली मॉर्निंग आएंगे बीच में जस्ट टू फील द वाटर,
बट यहाँ पे आके वी गॉट द बोनस ऑफ दिस राइड एंड ऑल, सो इट वॉज ट्रूली अ वेरी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा, काफी अच्छा डिसीजन था अर्ली मॉर्निंग आने का. इवन को तो देखो क्या कर रहा है उधर, पुल कर रहा है वो. ओके, पानी में छोड़ रहा हूँ. रुको ना बाबा. He's searching for actually land or water. चलो, I'll leave it. पानी, ओके. ऑफ हो गया. क्या हुआ फोन का? पानी चला गया फोन के अंदर, स्विच ऑन नहीं हो रहा है. पहले तो स्विच ऑन था लेकिन नेटवर्क नहीं लग रहा था, फिर उसको बंद करके सिम निकाल के क्लीन करके डाला अंदर, तो अभी ऑन ही नहीं हो रहा है. गया पता नहीं, कोलेटरल डैमेज ना बन जाए इस ट्रिप का. और नाचो पानी में. नाचना तो पड़ेगा बट फोन संभालना चाहिए था. फाइनल व्यू. और ये हम लोग किस लिए ले रहे हैं इतना पानी? ये पानी ले रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ही अच्छा है टेस्ट. हम रास्ते में पियेंगे जाते हैं. हमने छह पानी एक्स्ट्रा लिया इसके. सो वी हैव स्टार्टेड अवर रिटर्न जर्नी बैक फ्रॉम अक्षी बीच अलीबाग फ्रॉम दुर्गा पैलेस होटल. इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल. काफ़ी अच्छा लगा द बीच, द होटल, द एक्सपीरियंस, द डिनर एट होटल गुरु प्रसाद. एवरीथिंग वाज गुड. एक ही अभी तक का सिर्फ एक ही ग्लिच है, फोन में पानी चला गया. एंड देन देखते हैं, हम लोग जाएंगे शॉप में, जाएंगे देखते हैं कि ठीक होता है कि नहीं, है ना? हाँ चलो चलो, लेट्स स्टार्ट. तो फिर आज का ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं. सी यू गाइस. आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये अक्षी बीच और हम लोगों का ये पूरा स्टेकेशन एंड ऑल ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा. तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टाटा.